अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। आज के सेक्शन में जो है हम आपके एक्सरसाइज 2.1 तक फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। लास्ट में हमने जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे, इससे आगे जो है हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। और हम जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और अब एचसीएफ से मेरा क्या मतलब होता है, एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दो गिवन नंबर्स या थ्री नंबर जो गिवन होते हैं उनको क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। आप मैंने कल एग्जाम्पल दी थी। अब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका है 15, 30, 45। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। स्टूडेंट्स चलिए हम 15, 30 और 45 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टूडेंट्स 15 की फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, सब जानते हैं, ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 और 5 होता है। और 30 स्टूडेंट्स कितना होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ रफ करके देख लीजिए। तो 15, 3, 5 तो 2 into 3 into 5 इसकी फैक्टराइजेशन बन जाती है 2, 3 और 5। और 45 स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं आता था पता, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन बना लीजिए, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3, 3, 5, 15, 3, 5, 15 and 5, 5, 3, 3 and 5 इसकी फैक्टराइजेशन है 3, 3 and 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। जी हाँ, कॉमन फैक्टर देखें तो एक तो आपको देखें ये नजर आ रहा है जो तीनों में कॉमन है, और एक स्टूडेंट नोट कीजिए ये भी इसमें कॉमन है, इस तरह से 3 और 5 की दोनों कॉमन है। तो फिर देयरफॉर आपका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, इस तरह से 15 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो है पहले कॉमन फैक्टर्स डिसाइड करने होते हैं, फिर जब वो निकल आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से एचसीएफ निकल आता है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास 20, 40 and 80 इसके निकालने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं जरूरत पड़ेगी काफी सारी जगह की। स्टूडेंट्स हमें 20, 40 और 80 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर हम यहाँ कॉमन फैक्टर सीखेंगे, ठीक है, और फिर हम एचसीएफ निकालने के लिए उनको जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर 20, 40 और 80 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फ्रेंड्स 20 पहले कर लेते हैं, 2 10s are 20, तो 5 10 and 5 1s are 5, तो इसकी फैक्टराइजेशन तो ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, 2, 2 और 5। अब 40 के स्टूडेंट्स करनी है, तो 2 to 20, 2 10, 2 5 and 5 under 5। स्टूडेंट्स 2, 2, 2 and 5 का इसकी फैक्टराइजेशन बन गई है। स्टूडेंट इसकी लिख लेते हैं हम यहाँ फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हमें 80 की बचाएगी, तो 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगा 40, बाकी तो फिर से 40 वाली फैक्टराइजेशन बेशक आप यहाँ लिख दें, हमने अभी की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की देखी। अब फ्रेंड्स नोट कीजिए कॉमन इसमें क्या क्या है, देखिए फ्रेंड्स इसमें से ये कॉमन है, फिर इसमें ये कॉमन है, और फिर नोट कीजिए इसमें ये 5 भी कॉमन है। तो इसमें 2, 2 और 5 कॉमन दिख रहे हैं, इनको क्या कर देंगे तीनों को मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स 2 4 4 5 20 20 इसका जो है फ्रेंड्स क्या करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आपने जो है एचसीएफ निकाल के चले जाना। चलिए मैं एक और पार्ट करता हूँ, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक पार्ट है होमवर्क जो कि आपको करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट करते हैं, ये मिटाते हैं हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के लिए।
क्लॉकवर्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम चले करते हैं आगे क्वेश्चन 7, इसमें है 24, 48 एंड 60, इसकी हमें जो है वो एक्सएलएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स हम चले 24, 48 और 60 के जो है पहले फैक्टर्स लिख लें, फिर हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और यहाँ पर हम एचसीएल लिखेंगे। फ्रेंड्स हमें जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें जो है पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 24 की फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स हम कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3, इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान थी। नेक्स्ट हम जो है वो 48 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 3 1 3। देखिए ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। इस तरह से हमें चाहिए 60 की फैक्टराइजेशन, 2 3 6 0 का सी आ जाएगा, 30 2 15 3 5 15 5। देखिए फ्रेंड्स हमें तीनों के जो है फैक्टर्स मिल चुके हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए उसकी है 2 2 2 और 3 फैक्टराइजेशन, इसमें एक बस 2 ज्यादा है, 3 तो इसमें एक और 2 आएगा, ठीक है 1 2 3 4, और इसमें है 2 2 3 और 5। तो फ्रेंड्स हम देखिए कॉमन फैक्टर होने हैं, तो सुन देखिए एक ये फैक्टर हमारे पास कॉमन है, एक ये फैक्टर कॉमन है, इसके अलावा देखें यहाँ तो 2 कॉमन है, देखें यहाँ 3 कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, हमें तीनों में कॉमन चाहिए वो चीज़। तो नोट कीजिए एक और चीज़ जो है यहाँ पर कॉमन है वो ये है आपका 3। फ्रेंड्स देखिए 3 जो है वो तीनों में अब कॉमन है, बाकी तो फिर 2 2 और 3 कॉमन है, तो इनको तीनों को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12। इस तरह से 12 जो है वो आपका आंसर रिक्वायर्ड एचसीएफ निकल आएगा। तो है वो आपको समझ आई होगी इस वीडियो से काफी कुछ। इस तरह से आप जो है होमवर्क के तौर पे ये पार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद से करेंगे, जो कि है 24, 48 और 72। इस तरह से आप इसका जो है इसको फैक्टर निकालेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखा करें।